नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों 10-15 बाल तो सबके गिरते हैं, डेली गिरते हैं। अगर जब भी कंघी करेंगे 10-15 बाल गिरेंगे, लेकिन ज़्यादा जब इसे हाथ से निकालो और खूब बाल निकलने लगे, गुच्छे के गुच्छे निकलने लगे, खाली पैचस होने लगे, मांग अलग से चौड़ी चौड़ी मांग दिखने लगे, तो आप सोचिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आप अपने बालों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज ऐसी कुछ चीज़ें मैं रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि इतनी अच्छी है कि अगर आप उसको बनाएंगे तब दोस्तों, आजकल जिसको सुनो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि मेरे बाल बिल्कुल झड़े जा रहे हैं, मेरे बाल पूरी तरीके से निकलते ही चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी हवा चली है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगें तो आप क्या करें कि थोड़ी सी कटिंग कर दिया करें, इससे बाल रुक जाते हैं। जितने ही लंबे बाल होंगे ना तो उतने ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ी सी कटिंग आप कर देंगे तो ये मैंने देखा है अपने बालों में। जब मेरे बाल झड़ने लगते हैं ना तो मैं कटिंग कर देती हूँ तो बाल एकदम रुक जाते हैं। और मेरे बाल इतना ज्यादा इसलिए नहीं झड़ते कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, नेचुरल चीजें। उसी में से मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ दोस्तों कि अगर वो चीजें आप लगाएंगे जैसे मैं आज बनाने जा रही हूँ दोस्तों, उससे बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे, लंबे भी होंगे, और गारंटी है कि बाल टूटेंगे नहीं। लेकिन हफ्ते में 2 बार आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जब भी बाल धोइए, मैं कहती हूं कि जब भी बाल धोएं, बाल तो धोना ही है, बाल आपके गीले होंगे, ठंडी आपको लगेगी ही लगेगी, तो कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ लगा लीजिए। तो चाहे करी पत्ता हो, चाहे मेथी हो, कलौंजी हो, कॉफी हो, चाय पत्ती हो, इन सब चीजों को ऐड, प्याज तो सबसे नंबर वन पे मैं रखती हूँ। प्याज को हमेशा मैंने बोला है कि प्याज को मैं बाल झड़ने को रोकने के लिए नंबर वन पे रखती हूँ। प्याज का फेस पैक, हेयर पैक आप अगर हफ्ते में 2 बार लगाते हैं दोस्तों, तो यकीन माने कि बाल आपके रुक जाएंगे। मेथी, सब कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, बस आप लगाते नहीं है, लगाइए और फिर देखिए रिजल्ट कैसे। नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं। ऐसा हेयर ऑयल अगर अब मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए और ला सकूँ। आज ये बना रही हूँ एलोवेरा, और देखिए आगे क्या क्या चीज़ डाल करके मैं ये कह सकती हूँ कि वर्ल्ड का, पूरे पूरे वर्ल्ड में इस तरह का तेल हो नहीं सकता जो इस तरह का तेल मैं आज आपको बता रही हूँ। सभी बनाते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बनाती हूँ, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट देने वाला तेल वर्ल्ड में नहीं हो सकता, चाहे जितने महंगे से महंगे आप जो है तेल को खरीद के ले आइए। ठीक है, यकीन मानिए आज जो मैं आपको तेल बनाना सिखा रही हूँ, ये मैं तेल एक बार नहीं कई बार बनाई हूँ। जब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है तो मैंने सोचा कि मैं आप तक ये तेल आप तक पहुँचाती हूँ। और आप बना के रखिए पूरे परिवार के लिए, 1 महीने के लिए बना सकते हैं, 2 महीने के लिए बना सकते हैं, ये तेल चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तेल खराब हो जाते हैं। तो ये मेरे यहाँ खूब सारे एलोवेरा थे, तो एलोवेरा तो जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पे नेचुरल तरीके से आपके बालों के लिए कितना है रामबाण का, मतलब एकदम रामबाण है, समझ लीजिए। आपके बालों को उगाता है नए सिरे से, नए बाल उगा देता है। अगर बाल खत्म हो गए हैं तो भी नए बाल आ जाते हैं। पीस लिया है इसको, पीस लिया है, पीस के एक कढ़ाही में मैंने डाल दिया है, जिस कढ़ाही में मैं आज ये आपको तेल बनाना सिखाऊंगी। अब क्या करना है, प्याज लेना है, 2 प्याज ले लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है आपको। ठीक है, और प्याज से अच्छा कोई हेयर पैक मतलब हो नहीं सकता। ये बालों की ग्रोथ को रोकने के लिए, खाली पैचेस को भरने के लिए, आगे से बाल जो झड़ने लगते हैं ना, रोज़ प्याज का पानी, अगर आप आगे जो बाल झड़ने लगते हैं कहीं भी पीछे टकले में लोगों के, आप कॉटन से वहाँ पे लगाना शुरू करिए। एंटीबैक्टीरियल गुड़, और इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर पाया जाता है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है और नई ग्रोथ उगाता है। अब ये चीज़ क्या है, ये है भैया करी पत्ता, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है इसकी, कितनी तारीफ़ किया जाए दोस्तों। करी पत्ता में प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में होता है, और जो बालों में जो आपके बाल डैमेज हो जाते हैं ना उसे रोकता है करी पत्ता। बहुत ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको तो भाई डालना बनता है। अब लीजिए आंवला, है आंवला दोस्त बालों का राजा, इससे बेस्ट तो कोई चीज़ आंवला से बढ़ के हो नहीं सकती। ये ब्लैकनेस देता है, नेचुरल डाई का काम करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। भाई क्या तारीफ करें, कौन नहीं जानता कि आंवला बालों के लिए क्या है। तो इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब ये जो है इसमें डाल देते हैं, ये क्रश कर देंगे, इसको पीसेंगे नहीं, पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर देंगे। छोटा छोटा सा करी पत्ता डाल दिया है और आंवला डाल दिया है, अब इसको मैं चॉप करके आपको
दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, अब बिल्कुल इसे दरदरा दरदरा सा इसको रखेंगे। और इसको दोनों को कर लिया है, अब आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है, ठीक ना। 2 साल के बच्चों से लेकर के 100 साल तक के जो लोग हैं उनको भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल से ही विश्वास करिए आप। ये अदरक, अदरक का काम है ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, अदरक का काम ही यही है। जब जाता है ना थोड़ा चुनचुनाता है आपके बालों में, जब जाएगा तो चुनचुनाएगा, वही काम करता है ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। ये कलौंजी, इसे करायल भी बोला जाता है दोस्तों, जानते हैं। जो खाली पैचेस हो जाते हैं ना और जो बाल झड़ते हैं, बालों को ब्लैकनेस देता है कलौंजी। और मेथी का तो क्या ही है? मतलब मेथी और कलौंजी, कोई ऐसा कल्चर नहीं है जहां मेथी कलौंजी के बारे में नहीं जाना जाता। विटामिन ए, के, सी, बी पाया जाता है, बाल खत्म हो चुके ना उसमें नई ग्रोथ लाता है मेथी और कलौंजी। ये बालों के लिए राजा है, वरदान है, इससे बेहतर कोई चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती। अभी देखो इसको मैंने क्रश कर लिया है, अब डालेंगे थोड़ा सा लौंग। लौंग भी बालों को काला करता है। गुड़हल के कुछ सूखे हुए फूल इसमें डाल दिए हैं, अब इसको भी मिला करके एक बार मिक्सी दरदरा करके मतलब चला लेंगे, एक बार और चला लेंगे, ठीक है। 2 फूल बाद में डालूंगी, इसके जो आगे का है वो निकाल दिया है। अब इसको दरदरा करके, क्योंकि लौंग क्या है, बालों को काला डार्क बनाता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। जो कुछ जाएगा ना तो वो चीज़ फायदा करेगा अंदर तक, अगर ये होता है। दो चार पीस लौंग उसमें डाल दीजिए। अब देखो कढ़ाई ले लिया, एलोवेरा था, अब जो मैंने आंवला करी पत्ता क्रश किया था वो डाल दिया है, कलौंजी मेथी डाल दिया है, अब इसमें प्याज डाल दिया है। लोग क्या करते हैं कि पहले तेल कढ़ाई में डाल करके गैस पे चढ़ा देते हैं, जब तेल हो जाता है तो सारी चीज़ें डालती हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल न किया करें। पहले सारी चीज़ डालिए उसके बाद तेल डालिए, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा पका रहता है तो कोई चीज़ डालेंगे तो तुरंत वो चीज़ होने शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं, इसको धीमे धीमे करना है। सरसों के तेल में, पूरा तेल मैं बनाऊँगी सरसों के तेल में, ये जो बना रही हूँ 3 गिलास तेल इतनी चीज़ों में मैंने डाला है, 3 गिलास। के ज़माने में दोस्तों क्या होता था, सिर्फ सरसों का तेल, सरसों का तेल ही हमारे दादा बाबा दादी सब लगाते थे। हम लोगों को भी सरसों का तेल, कोई कस्टर्ड ऑयल नहीं जानता था, कोई नारियल तेल नहीं जानता था, कमाल का तेल है सरसों का तेल दोस्तों। अब ये चढ़ेगा भाई गैस के ऊपर, धीमा करके इसको चढ़ा दीजिए और धीमे धीमे आँच में आप इसको पका लीजिए। ये पकना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये जब जैसे ही पकेगा, जब तक पकेगा नहीं तो तेल इसका छोड़ेगा नहीं, आपको लगेगा सारा तेल तो पी लिया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि आप इसको जो कढ़ाई है इसको 2 दिन तक रखिएगा, जब ये पक जाए तेल तो तुरंत छानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कलौंजी मेथी आंवला है उसमें बहुत कुछ बाकी रहता है। तो 2 दिन के लिए ऐसे ही ढक के रख दीजिएगा, और जब इसको छानना होगा तो फिर से आप एक बार इसको गर्म करें तभी ये तेल छोड़ेगा, नहीं तो क्या आपको लगेगा कि सारा तेल तो ये प्याज आंवला ही पी गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब छानना 2 दिन बाद, ये देखिए 2 दिन बाद फिर से मैं हल्का सा गर्म करी हूँ, अब देखिए तेल कितना अलग अलग हो गया तेल। जब तक पकेगा नहीं तेल बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, और इसको बहुत काला तो नहीं किया है मैंने, लेकिन 2 दिन बाद आप फिर से हल्का सा पकाइए, हल्का सा गर्म करिए बस। अब कटोरी में छान के, अब जो ऊपर ऊपर तेल जो आ गया है उसको तो आप चमचे से निकाल के छन्नी से छान लीजिए, ऊपर ऊपर वाला तेल। जो नीचे मटेरियल बचेगा उसको आपको कपड़े से ही छानना पड़ेगा। उसको जब मैंने कपड़े से छाना था ना दोस्तों, तो आप विश्वास करिए 1 गिलास तेल प्याज और आंवला से मैंने गार गार के निकाला था। तो जो ऊपर तेल आ गया है उसको तो आप छन्नी से निकाल लीजिए। ये तेल नहीं दोस्तों, ये मैजिकल तेल है, ये टॉनिक है, हेयर सीरम, इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। मांगों को खोल कर उनको जड़ों में, बच्चों को लगाइए और सबको लगाइए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को प्यार दीजिए अपना दोस्तों। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। लाइक ज़रूर करिएगा, तेल भर कर रख लीजिए और कमाल का रिजल्ट देखिए आप।